हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तन, आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तन सुशील को। दोस्तों आज मॉर्निंग से मुझे काफी सारे इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज को लेके। बहुत सारे क्रिएटर को ये जो मैसेज है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जैसे ही क्रिएटर स्टूडियो के अंदर वो लोग आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज योर पेज पोस्ट आर बींग सीन बाई लॉट ऑफ पीपल, वी रिक्वायर यू टू कॉम्प्लीट पेज पब्लिशिंग ऑथोराइजेशन। और बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये क्या है, पहले तो ये बताओ, और उसके ऊपर से पेज पब्लिशिंग ऑथोराइजेशन क्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू डू नॉट कॉम्प्लीट इट बाय जनवरी 10, मतलब 2021 का जनवरी 10 तारीख तक अगर आपने ये जो पेज पब्लिशिंग ऑथोराइजेशन प्रोसेस है उसको कॉम्प्लीट नहीं करते हो तो यू विल नॉट बी एबल टू पोस्ट एज एनी ऑफ योर पेज। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये बात सुन के या फिर ये चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है। बहुत सारे क्रिएटर तो ये तक सोच लिया कि उनका पेज जो है फेसबुक डिलीट कर देगा अगर आने वाले जनवरी 10 तक इन्होंने पेज पे पेज पब्लिशिंग ऑथोराइजेशन नहीं किया। अब ये क्या है, क्या ये ग्लीच है, क्या ये सही है, इसको लेके हमें करना क्या है? क्रिएटर बहुत ज़्यादा परेशान है आज के डेट पे और बहुत सारे क्रिएटर को ये इशू जो है कल शाम से ही आना शुरू हो गया था और आज मॉर्निंग तक बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। इंडिया और बांग्लादेश से मुझे काफ़ी सारे क्रिएटर ने पिंग किया है, बाकी कंट्रियों का अभी तक मुझे पता नहीं, सारे डीएम मैंने चेक नहीं किए हैं, मगर जो भी लोगों को ये इशू अभी आ रहा है जिस भी कंट्री से आप हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ताकि हमें एज ए कम्युनिटी पता चले किस किस को ये इशू आ रहा है। बहुत सारे क्रिएटर का ये भी कहना है कि सर हमें सिर्फ क्रिएटर स्टूडियो के अंदर नहीं, जैसे ही हम हमारे फेसबुक पे लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे जो हमारा न्यूज फीड होता है वहां पर ही शो करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है पेज पब्लिशिंग ऑथोराइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फेसबुक का कहना है पब्लिशिंग प्रिविलेज जो है या फिर पब्लिशिंग ऑथोराइजेशन जो है उसको आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। और ये इस वजह से कह रहा है क्योंकि आपके पेज पे बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है एंगेजमेंट हो रहा है, पोस्ट जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, तो फेसबुक चाहता है आपका जो पेज है वो ऑथोराइज्ड हो ताकि फेसबुक भी आसानी से आपको ट्रस्ट कर पाए और आप भी सिक्योर रहो फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर। इसी वजह से फेसबुक का कहना है कि आपको जो है अभी पब्लिशिंग ऑथोराइजेशन जो है वो करवाना है। दोस्तों ये बहुत ही आसान स्टेप है, आपको सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे करना है वो है सिक्योर योर पर्सनल अकाउंट विथ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है आपको आपके फेसबुक के अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है, चालू करना है। और दूसरा जो है वो है सर्टिफाई वेयर यू आर बेस्ड बाय कॉन्फर्मिंग योर प्राइमरी कंट्री लोकेशन। इसका मतलब होता है आपको आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर कॉन्फर्म करना है आपके करंट लोकेशन को, करंट कहां पे आप हो, यहां पे यही लिखा गया है। और ये दो चीज आपको वेरीफाई करना है 10 जनवरी 2021 से पहले टाइम तक। अगर आपने ये जो आपको मैसेज अपेयर हो रहा है या फिर यहां पे जो मैसेज अपेयर हो रहा है दोनों सेम ही है, अगर नहीं करते हो उस केस पे आप आपके पेज पे 10 जनवरी के बाद से कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते हो, पेज पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, या फिर आप जो भी पेज के अंदर जाके एक्शन करोगे वो आपका एज ए प्रोफाइल शो होगा, एज ए पेज नहीं शो होगा, क्योंकि फेसबुक चाहता है आप आपके पेज को ऑथोराइज्ड कर लो ताकि फेसबुक को ये पता रहे कि जो भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर पेज को चला रहा है वो एक यूनिक ओरिजिनल एंटिटी है, कोई भी डुप्लीकेट स्पैम नहीं है। बस यही फेसबुक का मकसद है, इसी वजह से फेसबुक ये जो अभी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को शो करवा रहा है। तो जिसको भी ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है उन लोगों को सिंपली से गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां से भी आप क्लिक कर सकते हो
और किसी को अगर यहाँ पे ये शो कर रहा है जो कि आपके प्रोफाइल के अंदर, तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। मैक्सिमम क्रिएटर ने मुझे ये वाला स्क्रीनशॉट भेजा है क्योंकि पेज ऑथोराइजेशन का इशू सबसे पहले इन लोगों को क्रिएटर स्टूडियो के सामने ही रिफ्लेक्ट हुआ था, तो उस केस पे आपको सिंपली से जाके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड देना है। तो दोस्तों जैसे ही पासवर्ड डाल के मैंने एंटर किया तो मैं इस पेज पे आके पहुंचा हूं, तो आप लोग भी यहाँ पर ही आके पहुंचोगे। ये सेटिंग जो है, सेटिंग के अंदर जनरल वाला ऑप्शन के अंदर मैं अभी हूं और यहाँ पे आप देख सकते हो पेज पब्लिशन ऑथोराइजेशन वाला पार्टी शो कर रहा है। तो ये पेज पब्लिशिंग ऑथोराइजेशन वाला पार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है वन स्टेप रिमेनिंग, मतलब कि मुझे वन स्टेप और रिमेनिंग है जो कंप्लीट करना है। इसका मतलब मेरा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से सेकेंड वाला ऑप्शन कंप्लीट है ऑलरेडी, वो है कॉन्फर्म योर प्राइमरी कंट्री, जो कि इस पेज के केस पे इंडिया ऑलरेडी कॉन्फर्म्ड है, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन टेक मार्क के साथ कॉन्फर्म योर प्राइमरी कंट्री लोकेशन दिखा रहा है। अगर आपके केस पे ये नहीं किया गया है तो आपको ये वाला पार्ट जो है उसको कॉन्फर्म करना है, डाल के आपका कंट्री लोकेशन वेरीफाई करना है। और ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो है सिक्योर योर अकाउंट, इसका मतलब है ये वाला टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहा है। तो ये आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोल रहा है, तो सिक्योर योर अकाउंट विथ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलेगा, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा आप कैसे आपके जो मतलब ऑथेंटिकेशन है उसको स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमेशा टेक्स्ट मैसेज चूज कर लेना, वही अच्छा रहता है। गूगल ऑथेंटिकेशन चूज करोगे बाद में अगर अकाउंट वैकाउंट कुछ हो गया तो नहीं होगा, तो ये वाला हाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जिस फ़ोन नंबर पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए जो मैसेज आता है, जो पिन आता है, पिन वेरिफिकेशन जिसको कहा जाता है, वो डालना चाहते हो, आपको सिंपली से यहाँ पे फ़ोन नंबर उसका डाल देना है। फ़ोन नंबर वही डालना जो आप कंटिन्यूसली रेगुलरली यूज़ करते हो, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये मैं पहले फ़ोन नंबर डाल के कंटिन्यू कर लेता हूँ और उसके बाद क्या कुछ आता है आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे आप फ़ोन नंबर डाल के एंटर मारोगे आपको एक कोड आएगा, आपके वही फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी 6 डिजिट का होगा। जैसे ही वो 6 डिजिट आप डालोगे और उसको कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा दिखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉन्फर्म योर आइडेंटिटी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन। तो ये तक का प्रोसेस आपको करना है और उसके बाद सिर्फ डन पे क्लिक करना है। तो मैंने डन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे फिर से एक कॉन्फर्मेशन पूछा जा रहा है कि आपने जो अभी पिन नंबर डाल के, मतलब जो वेरिफिकेशन कोड आपके फ़ोन नंबर पे डाल के हमने कॉन्फर्म आइडेंटिटी किया वो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ बोला जा रहा है, डू यू वॉन्ट दिस नंबर टू यूज़ टू हेल्प यू मेक कनेक्शन एंड सी एड्स दैट आर मोर रेलिवेंट। तो आपको सिर्फ कर देना है यूज़ दिस नंबर, या नॉट नाउ भी कर सकते हो, ये कोई परेशानी नहीं है, मगर यूज़ दिस नंबर बोल दीजिए। जैसे ही मैंने इसको ओके कर दिया दोस्तों, तो मेरा अभी जो ये पेज है, पेज का जो पेज पब्लिशिंग ऑथोराइजेशन है उसको मैंने कॉन्फर्म कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर का आ गया है अभी पूरा, और यहाँ पे बोला भी जा रहा है थैंक यू फॉर कॉन्फर्मिंग योर आइडेंटिटी, नो फर्दर एक्शन इज नीडेड एट दिस टाइम। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही पॉइंट कॉम्प्लीटेड है, आपको ये दोनों ही पॉइंट कॉम्प्लीट करना पड़ेगा। एक तो आपका अकाउंट फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा आपके फेसबुक अकाउंट को, और दूसरा होता है जो आपका प्राइमरी लोकेशन है वो भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो दोनों ही कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे जो दो स्टेप बोला गया था करने के लिए, ये जो इशू आया था वो अब इस पेज से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो शायद ये मैसेज अभी के अभी यहाँ से चला भी जाएगा, हट भी जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो चला गया है क्योंकि मैंने अपडेट कर लिया। और यहाँ पे भी अभी आप लोग देख सकते हो कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसका मतलब आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, सिर्फ आपको जो स्टेप मैंने दिखाया उसको फॉलो करना है, बाकी आपका इशू जैसे मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया वैसे ही सॉल्व करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका पेज का जो ऑथोराइजेशन है फेसबुक वो मांग रहा है, बाकी आपको दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको जनवरी 10 तक वेट ही नहीं करना है, सिर्फ इसको फुलफिल कर देना है जैसे फेसबुक मांग रहा है।
होप गाइज आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफी हद तक नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि ऐसे ही वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पे प्रणाम करो दोस्तों।